तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। आज है मंडे और टाइम हो गया है मंडे नाइट रॉ का। ऐसे में क्या खास होगा इस रॉ में, चलिए जानते हैं मिस्टीरियस बुक के इस खास अंक में। तो देर किस बात की, चलिए खोलते हैं। बात करें आस्का की तो आपने पिछले हफ्ते रॉ में देखा होगा कि रॉ विमेंस चैंपियन आस्का बन गई हैं क्योंकि बैकी लिंच ने अपनी चैंपियनशिप उन्हें सौंप दी थी। ऐसे में जब अब आस्का चैंपियन बन गई हैं तो उन्हें एक नए चैलेंजर की जरूरत है। ऐसे में बियांका ब्लेयर आकर उन्हें चैलेंज कर सकती हैं। बियांका ब्लेयर इस समय रॉ का हिस्सा हैं और अगर उन्हें बड़ा सुपरस्टार बनना है तो उन्हें खुद टॉप सुपरस्टार के साथ फ्यूड करना होगा। ऐसे में कंपनी वाले बियांका ब्लेयर को एक नया प्रतिद्वंदी बना सकते हैं, वह भी आस्का के लिए। बात करें रे मिस्टीरियो की तो इस समय मिस्टीरियो चोटिल हैं, इस वजह से एलिस्टर ब्लैक अब अकेले पड़ गए हैं। एलिस्टर ब्लैक इस समय भी सेथ रॉलिंस और बड़ी मर्फी के साथ फ्यूड में हैं और ऐसे में कोई शक नहीं कि एलिस्टर ब्लैक को अब किसी दूसरे सुपरस्टार की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में इस बार कंपनी वाले समोआ जो को चांस दे सकते हैं। समोआ जो अब पूरी तरीके से फिट भी हो चुके हैं, ऐसे में इस रॉ में उन्हें एलिस्टर ब्लैक का टैग टीम पार्टनर बनाया जा सकता है। बात करें आइकॉनिक्स की तो आइकॉनिक्स ने पिछले हफ्ते रॉ के एपिसोड में एलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस को हराया भी था और ईमानदारी से देखा जाए तो वर्तमान में विमेंस टैग टीम डिवीजन में रोमांच की काफी कमी है। अगर कंपनी वाले इस समय रॉ में कोई नई टीम को विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप जितवा देती है तो मजा ही आ जाएगा। कई बार ऐसा करके कंपनी वालों को फायदा भी होता है, इस वजह से बहुत ज्यादा संभावना है कि इस रॉ में द आइकॉनिक एलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस को विमेंस टैग टीम मैच में हराकर नई विमेंस टैग टीम चैंपियन बन सकती हैं। बात करें ड्रू मैकिंटायर की तो कुछ समय पहले सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ड्रू मैकिंटायर ने मॉडर्न डे महाराजा यानी जिंदर महल के साथ मैच लड़ने की इच्छा जताई है और इस रॉ में स्मैकडाउन के सुपरस्टार किंग कॉर्बिन आने वाले हैं, वह भी ड्रू मैकिंटायर के साथ मैच लड़ने के लिए। ईमानदारी से कहा जाए तो किंग कॉर्बिन इस मैच में ड्रू मैकिंटायर को नहीं हरा पाएंगे, पर इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि लास्ट में जिंदर महल आकर द स्कॉटिश साइकोपैथ पर हमला कर डालें। पुराने समय में जिंदर महल की ड्रू मैकिंटायर के साथ 3MB नाम की टीम हुआ करती थी। इस समय मैकिंटायर को एक टॉप हील चैलेंजर की भी जरूरत है, ऐसे में जिंदर महल सही ऑप्शन हो सकते हैं। रॉ में किंग कॉर्बिन के साथ मैच के अंत में जिंदर महल पीछे से आकर मैकिंटायर का कुटान कर सकते हैं। बात करें बॉबी लेस्ले की तो आपको पता होगा बॉबी लेस्ले ने कुछ समय पहले ही MVP के साथ टीम बना ली है। इस बार रॉ में बहुत ज्यादा चांस है कि MVP अपना एक नया बड़ा हील फैक्शन बना डालें जिसमें बॉबी लेस्ले, सेन थॉर्न और विंक शामिल हों। इसके बाद इन लोगों का दल आगे चलकर जेलिना वेगा के हील फैक्शन दल के साथ पंगा भी ले सकता है। सूत्रों की माने तो अपोलो क्रूज भी आकर MVP के इस हील फैक्शन दल का हिस्सा बन सकते हैं। अगर अपोलो क्रूज भी MVP के दल में आ जाते हैं तो इसके बाद यह लोग एंड्राडे से भी अपना बदला ले सकते हैं। तो ये थे दोस्तों कल सुबह होने वाली रॉ के सभी हाईलाइट प्रीव्यू और रूमर्स। उम्मीद है आपको आज का अंक पसंद आया होगा। काफी मेहनत करके हमने यह वीडियो तैयार किया है, साथ ही आपके लिए हमने एक टैग टीम गेम भी खेला है, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।